तो दोस्तों क्या हाल चाल। तो आज के वीडियो में भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली है, जैसे कि अपने टीएचजी ऋतिक और अवरा गेमिंग के बीच में क्या एग्जैक्ट सीन हुआ, उसी के साथ अपने ऋतिक ने फिर से कहा है कि मैं कमबैक करूंगा और अपना रिप्लाई देने के लिए कुछ अच्छे प्लान्स भी करूंगा, उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की। उसी के साथ यार अपने निवेश ने भी अपना न्यू आइडिया सोचा है कि यार कैसे गेम वालों से रिप्लाई ले, बट गेम वाले इधर का हु का हा नहीं कर रहे, तो यार उनको तो कहना ही क्या है। दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला अपडेट होने वाला अपने अवरा गेमिंग वर्सेस टीएचजी आर्मी के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो एग्जैक्ट क्या सीन हुआ सारी चीजें बताता हूँ। देखो यार जो अपने अवरा गेमिंग है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई एक साइड ऑडियंस का हीरो बनो और दूसरी साइड सट्टेबाजी प्रमोट करो, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का व्यूज गेन करके। अगर चार सट्टेबाजी ब्रांड्स के कोलैबोरेशन करना है एंड गोल, तुम आई एम आउट। बाकी और एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था सम पीपल रियली वांट टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्चुअली वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स, बट सम आर जस्ट यूजिंग द हाइप मूवमेंट और देयर मेन एजेंडा इज जस्ट गेन सम अटेंशन एंड व्यूज। पर्सनली आई बिल फील बैड फॉर ऑल द दिस हु पुट देयर हर्ट एंड सोल फॉर द कम्युनिटी। आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट अ क्राइम बट यूजिंग अदर इज। बाकी आप जो करना चाहे वो कर सकते हो, ना मैं आपके खिलाफ हूँ ना मैं आपके साथ। बाकी फिर क्या अपने ऋतिक ने भी अपने ब्रॉड का चैनल पे एक स्टोरी डाली, मैसेज डाले कुछ, और वो जो अवरा गेमिंग स्क्रीनशॉट डाले थे वो भी डाले। तो यार उसका एक कुछ रिकॉर्डिंग है, उन्होंने वॉइस ओवर में कुछ कहा था, तो वो चीजें देख लो। वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो भाई एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर मुझे अभी भी बनानी पड़ी वीडियो तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं सेम चीज़ पे बार बार वीडियो बनाने से मना किया हूँ। एंड दूसरी बात, जो लोग अपने सपोर्टर्स है गाइस, बहुत से क्रिएटर्स इस चीज़ में घुस रहे हैं, तो उनको ये लोग कुछ क्रिएटर्स वापस क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है बट ये साथ में बेटिंग भी प्रमोट कर रहा है। तो गाइस सीधी सी बात बता दूँ, एटलीस्ट वो कुछ कर तो रहा है ना, तो उसको कुछ भी बोल के तू अब ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो। तुम तो भाई कुछ इसमें स्टेप भी नहीं ले रहे हो और बोल रहे हो कि भाई वो ऐसा कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है। एटलीस्ट वो खड़ा तो रहा, तुमने क्या किया भाई, तुमने किया क्या? सीधी सी बात है गाइस, इनकी बातों को मैं कल जवाब दूंगा, कल अपन लाइव आएंगे एंड करेंगे बहुत से आंसर्स। एंड भाई रुकना नहीं है, अपना चलते तो रहना ही चाहिए गाइस। क्वेश्चन आप पूछते रहो, आपका पूरा का पूरा कि गेम कब आ रहा है, किसी को यहाँ पे हीरो बनना नहीं है। एंड व्यूज गेन करने की बात रही, मेरे को पता नहीं है किसके लिए है क्योंकि मैंने तो अभी रिसेंट में कोई प्रमोट किया नहीं है गाइस, बट यस जिसके लिए भी है एटलीस्ट वो खड़ा था बंदा एंड उसने अपने फैंस के लिए एक वीडियो बनाई, एक आंसर के लिए आंसर तो मांगा। और भाई तुम लिख रहे हो आई एम आउट, भाई तुम कभी इसमें आए ही नहीं, तुमने कभी स्टेप भी नहीं लिया एंड आई एम आउट लिखने का कोई यहाँ पे तुम्हें हक नहीं बनता, ठीक है। जो भी बंदा खड़ा रहा है एटलीस्ट उसने अपनी ऑडियंस के लिए स्टैंड किया। एंड ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग ये चीज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे, तो जो लोग खड़े हैं उन पर ये चीज़ें तुम डाल रहे हो तो ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। एटलीस्ट वो अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पे खड़ा रहा, उसने बनाई वीडियो एंड बिना कुछ किए ही आई एम आउट नहीं हो सकता भाई बंदा कोई। दोस्तों इसके बाद अपने अवरा गेमिंग ने भी अपनी ओपिनियन बताया, अपनी साइड रखी उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा वो भी देख। लोगों ने करा चाहे गलत करके सही करके जो भी करके आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छी बात है गरीने से सवाल पूछो कि गेम कहाँ है 2 साल से, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। आप जाकर के पूछो ना, मैं आपके साथ हूँ ना मैं आपके खिलाफ हूँ, ठीक है। आप अपनी साइड से पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना कोई क्राइम नहीं है, पर आपके कई सारे लोग जो एसोसिएट हो रहे हैं आपके इस पूरे मूवमेंट के अंदर और इसके अंदर से व्यूज गेन करके एक पर्टिकुलर ब्रांड, किसी भी थर्ड पार्टी सट्टेबाजी कलर ट्रेडिंग ब्रांड को जाके अपने व्यूवरशिप दिखा रहे हैं एंड कह रहे हैं कि हमारे ये स्टेट्स हैं, उसके बाद कलर ट्रेडिंग के जो ले रहे हैं प्रमोशंस, वो गलत चीज है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के इमोशंस का फायदा उठा रहे हो। सेकेंड चीज ये है कि कलर ट्रेडिंग सट्टेबाजी बहुत गलत है, मैंने अपने सामने फैमिलीज को उजड़ते हुए देखा है। तो अगर कोई एक बंदा भी इन्वॉल्व हो जाता है उसकी पूरी फैमिली की लाइफ खतरे में चली जाती है। मैं जो नहीं, कलर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग को कोई भी बंदा अगर ग्लोरीफाई करता है ना तो वो बहुत गंदा इंसान है मेरी नजरों में, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी एथिकली मॉरली कहीं पे भी ठीक नहीं है। और सेकंड चीज ये है कि कोई अगर कम्युनिटी से भी देखे बोल रहा है कि भाई एक्टर्स करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, भाई स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टर्स जो होते हैं उनकी कम्युनिटी होती है, उनके ऊपर सट्टेबाजी का या फिर गैम्बलिंग का आरोप नहीं लगता है। हमारी पूरी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी पूरी गेमिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट के सामने ये सही प्रूफ करने में लगी है कि गैम्बलिंग और कलर ट्रेडिंग अलग अलग चीजें हैं। और उसी बीच में कोई बंदा गेमिंग क्रिएटर आकर के इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो वो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है एक तरीके से गेमिंग कम्युनिटी। शायद पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में मैं ही सबसे पहला बंदा होगा जिसने सबसे पहले गरीना फ्री फायर टीम से सवाल पूछा, ओपनली आके क्वेश्चन पूछा कि व्हाट अबाउट गरीना फ्री फायर इंडिया, इट्स बीन 7 मंथ एंड कहाँ है गेम।
एक तरीका होता है पूछने का, एक रिस्पेक्टेड वे होता है, तरीका होता है पूछने का। आप पूछो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप जो करना चाहो कर सकते हो, डोंट इन्वॉल्व मी। एंड ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऑडियंस से, कि डोंट इन्वॉल्व मी। जब मैं इन्वॉल्व हुआ था कोई नहीं खड़ा था, तब वहां पे कोई पूछना नहीं चाहता था। आज के टाइम पे सभी की सभी खुद को ग्लोरीफाई करने में लगे हैं। देखो बहुत सारे लोग इस बीच में अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैंने जैसे कि स्ट्रीम्स, पास्ट स्ट्रीम्स के अंदर बोला है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछने का सही तरीका भी है। पर मैं नहीं चाहता ना मैं उस भीड़ का हिस्सा बनूं। एक भीड़ के अंदर कई सारे ओपिनियंस होते हैं, कई सही होते हैं, कई गलत होते हैं, और मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपने अलग तरीके से पूछूंगा, मैं कंटिन्यूअसली पूछ रहा हूं और आगे भी पूछता रहूंगा गरीना फ्री फायर से। कि दोस्तों यार मतलब देखो ये एग्जैक्ट सीन हुआ था, बाकी आपको क्या लगता है इसमें कौन से ये कौन गलत है वो अपना आपको ओपिनियन कमेंट में बता सकते। और दोस्तों आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो यार क्या कर रहे हो, कर दो। बाकी यार आप हमारे 12 PM का रिजल्ट देख सकते हो, एक्स ई स्पोर्ट ने 66 पॉइंट के साथ टेबल टॉप किया, नेवर थ्रस्ट सेकंड नंबर पे, मॉनसून ईस्पुट थर्ड नंबर पे। बाकी यार आप भी ऐसे टूर्नामेंट्स वगैरह खेलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पे 12 PM, 3 PM, 7 PM और 9 PM के डेली पेड मैचेस होते हैं। तो यार व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और एडमिन को मैसेज करो कि हमको भी स्लॉट चाहिए। दोस्तों उसी के साथ अपने टीएजी ऋतिक ने फिर एक मैसेज डाला था ब्रॉडकास्ट चैनल पे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्ट्रीम प्राइवेट की है रीजन ऑलरेडी स्ट्रीम पे दे दिया, बाकी गाइज विल डू अ ट्वीट अगेन, दिस टाइम थोड़ा और प्रिपरेशन के साथ करेंगे स्टे टर्न। तो यार कहीं ना कहीं उनका कहना है कि फिर से वो कहीं ना कहीं एफर्ट करेंगे और इस बार ट्विटर पे करेंगे प्रिपरेशन के साथ और भी अच्छे से चीजें करेंगे। तो यार क्या आपको ये डिसीजन सही लग रहा है? कि दोस्तों अपने निवेश भी कल लाइव आए थे तो उन्होंने भी मतलब इस ट्विटर वाली चीज के बारे में बताया और आरटीआई के रिप्लाई के ऊपर भी बात की। तो आरटीआई का रिप्लाई कब आएगा भाई? देखो गवर्नमेंट काम है, टाइम लगता है भाई, कुछ कह नहीं सकता कब आएगा, होप कर सकते हैं कि जल्दी आ जाए, समझ रहे हो निवेश भाई। अभी फ्री फायर इंडिया का टाइटल डालो, अभी ये ट्रेंड में है भाई, तुम क्या सब करवाते हो यार, टाइटल कैसे डालूंगा मैं अब? इतना बढ़िया थंबनेल लगाया, देखो वो थंबनेल से आ जाएगा जिसको आना होगा। और टाइटल में तुमने लिखा है, देखो अभी हम लोग डेली लाइव करेंगे, ठीक है, डेली 6 बजे लाइव आएंगे, मस्त ऑडियंस को व्हाट्सएप पे मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप सबके फ़ोन में होता है, तो उधर ब्रॉडकास्ट बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन करो। जो जो ट्विटर वाली ऑडियंस है, वही जो जो ट्विटर पे आना चाहता है या आ सकता है, वो लोग ब्रॉडकास्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ जाओ ज्वाइन करो ब्रॉडकास्ट, और क्या बोलते हैं, वेट करो ट्विटर ट्रेंड एकदम से मुंह उठा के ट्विटर पे ये वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पूरा प्लान करेंगे, ऑडियंस गेन करेंगे, फिर करेंगे, समझ रहे हो, जोश में होस्ट नहीं कहेंगे। दोस्तों आज के लिए तो इतनी अपडेट्स थी, एक भी अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।